हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब की वाणी को कैसे गाते हैं उसकी एक वानगी आपको सुनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब रचे बसे हैं, जीवन से मृत्यु तक, गांव से शहर तक और शहर से राजधानी तक, जिधर देखिए कबीर से लबरेज से हमारा प्रदेश। एक किसी मजदूर को भी अगर पूछेंगे तो कबीर साहब की एक साखी कह देगा, एक रिक्शा चलाने वाला भी एक सुना देगा। तो हमारे यहाँ कबीर जनमानस के अंतस्मन में बसे हुए हैं। हमारे यहाँ कबीर साहब की एक वाणी जो आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ एक लोक परंपरा थी, वो है नाचा और खड़े साज, दोनों को मिक्स करके हमने कोशिश की है, आपके सामने पेश करते हैं। गुरु से लगन कठिन है रे भाई, अजी लगन लगे बिनु काज न सरी है। अजी लगन लगे बिनु काज न सरी है, जीव पर ले हुई जाई। मिर्गा नाज समझ के भेड़ी, शब्द सुनन को जाई। कोई शब्द सुनी प्राण दान दे, इन्हें के नमन डराई। आज छाड़ हूँ अपनी तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो भई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गंवार हो सकता है अगर वो सतगुरु के शरण में न गया हो। आप बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो, कल्याण पद तो आपको सदगुरु से ही मिलेगा, पीर से ही मिलेगा। बिना वसीला के आप नहीं जा सकते, वसीला बनाना पड़ेगा, माध्यम बनाना पड़ेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए कैसे इसको पेश करते हैं। हाँ आज गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले। का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा। तुझसे कर ले, तुझसे कर ले मेरा, तुझसे कर ले मेरा, तुझसे कर ले मेरा गवारा, तुझसे कर ले मेरा। का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, तुझसे कर ले मेल गवारा, तुझसे कर ले, तुझसे कर ले मेल गवारा, तुझसे कर ले मेल, तुझसे कर ले मेल गवारा, तुझसे कर ले। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। हाँ जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। होए होए पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। क्या अजीब बात है साहब, देखिए दुनिया को पार लगाने वाला भी केवट की नाव जोत बाट जोता रहा कि मुझे आकर के पार लगा दिया। और वो भी बहुत बहुत ऊंची चीज था। इन इनकम टैक्स तो उसी के ऊपर लगना चाहिए। गोरा निशाद बोला कि प्रभु ऐसे पार नहीं लगाऊंगा मैं। तो फिर कैसे भैया? आप बैठिए, हमने सुना कि आपके चरण पड़ने से एक नाव जो है, एक पत्थर जो है नारी बन गई थी। ये मेरी नाव अगर कहीं नारी बन जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा? तो पहले चरण पखारने दीजिए। हाय हाय हाय, सतगुरु सतगुरु। चरण पखार करके अपना भी चरणामृत लिया और अपने पूरे कुनबे में बंटवा दिया। कितना उसका सौदा, कितना पक्का सौदा था, यहाँ से वहाँ तक खरीद लिया उसने। और जब लौट करके आ रहे थे तो भगवान जी से कहा, नाव उतराई। तो भगवान जी से केवट कहते कि बोले हम और आप तो दोनों एक ही जात के हुए, कैसे हम आपसे नाव की उतराई लेंगे? धोबी से ना धोबी ले तो नायु से ना नाई, हम आपसे कैसे ले नाव उतराई? हम तुम तो एक ही जात के हुए। तो भगवान जी बोले कि मैं और तुम कैसे एक जात के हुए? बोले प्रभु जी, मैं लोगों को गंगा पार करता हूँ, आप पूरी सृष्टि को भवसागर पार करते हैं, पूरी दुनिया को। तो जिस दिन मैं और मेरा परिवार वहाँ आ जाएगा तो उनको भी पार लगा देना, यही आपका मेरा सौदा है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिले, पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है, पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। आखिरत में आपकी नमाजें नहीं पूछी जाएगी, आपके अमाल देखे जाएंगे, आपके खुलूस देखे जाएंगे, आपने क्या कमाया है, कितनी नेकियां कमाई है, वो देखी जाएगी। लफ्ज खुलूस पर चार मिसरे सुनो बेटा। खुलूस वो है जो कीने को दिल से साफ करे, खुलूस वो है जो कीने को दिल से साफ करे, नजर वो है जो जमाने का इंकिशाफ करे, तवाफ काबे का करना कोई कमाल नहीं, तवाफ काबे का करना कोई कमाल नहीं, कमाल तो जब है कि काबा तेरा तवाफ करे। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, 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 तब छूटे ये संसारा। दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। उनको अपना पता नहीं होता। तवज्जो, बहुत तरीन शेर सुना रहा हूं। उनको अपना पता नहीं होता जिनके घर आईना नहीं होता, उनको अपना पता नहीं होता जिनके घर आईना नहीं होता। वक्त उसको बुरा बनाता है, वक्त उसको बुरा बनाता है, आदमी खुद से बुरा नहीं होता, आदमी खुद से बुरा नहीं होता। ग़ालिब फरमाते हैं, उम्र भर ग़ालिब यही गलतियां करता रहा, उम्र भर ग़ालिब यही गलतियां करता रहा, धूल चेहरे पर और आईना मलता रहा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागे कारी, जब दर्पण लागे कारी, जब दर्पण लागे कारी, तब दर्शन कहाँ से पाई। कबीर देख मन करनी वाके अंतर लोग एक शेर और सुनाऊंगा साहब इसमें। आज हम पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो रहे हैं, एनवायरमेंट बिगड़ गया है, इस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने इसकी बात कह दी थी, क्या कही थी सुनिए साहब। जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए, जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए, जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए, जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए, जब पत्र फूल फल मिल गए, 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 तब मन की दुविधा मिट गए। कबीर देख मन करनी वाके अंदर बीच कतरनी, कहे कबीर देख मन करनी वाके अंदर बीच कतरनी, ये कतरनी के गाठ न छूटे, कतरनी के गाठ न छूटे, कतरनी के गाठ न छूटा, पकड़ी पकड़ी या मनु